दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूं जहां एक बहू रात के अंधेरे में जवान सास को प्रेमी के साथ संबंध बनाते हुए देखकर बेकाबू हो गई और फिर उठाई ऐसा कदम, आगे क्या कदम उठाई आपको देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऐसे अफेयर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी बिहार के चंपारण जिले के एक गांव से निकलकर सामने आई थी। यहां की रहने वाली 40 वर्षीय काजल का अपने ही गांव के राजेंद्र नाम के शख्स से अफेयर चल रहा था। दोनों चोरी छुपे एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर रहे थे। तभी एक दिन इसकी भनक काजल के पति शोभाराम को हुई तो उन्होंने तुरंत पत्नी काजल को अपने पास बुलाया और समझाते हुए कहा, इस उम्र में ऐसी हरकतें करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कहीं ये सब बात बहू और बेटे को पता चल गई तो फिर तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। मेरी बात मानो तो ये सब उल्टा सीधा काम करना बंद कर दो, तुम्हारी भलाई इसी में है, नहीं तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये कहकर शोभाराम वहाँ से वापस अपने खेत में चला गया। लेकिन शोभाराम की पत्नी काजल पति द्वारा दी गई नसीहत को इग्नोर कर दिया क्योंकि वह हवस में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर उसे कुछ दिखाई दे रहा था तो वह उसका प्रेमी राजेंद्र, इसलिए वह परिवार वालों के चोरी छुपे प्रेमी राजेंद्र के साथ शारीरिक संबंध बनाना जारी रखा। एक रात की बात है जब काजल के पति किसी काम से अपने ससुराल गया हुआ था और बेटा परदेश में था, तभी मौका देखकर काजल उस रात अपने प्रेमी राजेंद्र को फोन करके घर बुला लिया और उसे बरामदे के कमरे में ले जाकर अपनी हवस को पूरा करने लगी। तभी अचानक उसकी जवान बहू रेखा वहां पर आ गई और सास को प्रेमी के साथ अवैध संबंध बनाते हुए देख लिया। इधर जैसे ही बहू रेखा अपनी सास को प्रेमी के साथ इस अवस्था में देखा तो उसके भी मन के अंदर वासना भर गई और वह तुरंत सास के प्रेमी राजेंद्र से मिलने के लिए बेकाबू हो गई। लेकिन क्या करें, सास के डर से वे कुछ बोल नहीं पाई और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। ये सोच ही रही थी कि तभी उसके मन में एक आइडिया आया और आइडिया के तहत तो उसने कुछ फोटोज अपने मोबाइल में कलेक्ट कर लिया और वहां से वापस अपने रूम में चली आई और लेटकर सो गई। जब सुबह हुआ तो बहू रेखा होशियारी दिखाते हुए चुपके से अपनी सास के मोबाइल से उसका फोन नंबर निकाल लिया। अब इधर जैसे ही बहू रेखा ने अपनी सास के मोबाइल से उसके प्रेमी का मोबाइल नंबर निकाला, जिसके बाद वे तुरंत रात में ली गई फोटोज को उसके मोबाइल पर सेंड कर दिया और फोन लगाकर कहने लगी, चोरी छुपे मेरी सास को खूब मिठाई खिला रहे हो। यह सुनते ही राजेंद्र डर गया और उससे माफी मांगने लगा। तभी वे मुस्कुराते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, मैं कभी किसी से नहीं बताऊंगी, लेकिन हो सके तो थोड़ा सा मिठाई मुझे भी खिला दो क्योंकि हमारे पति कई महीनों से प्रदेश में हैं और मुझे मिठाई खाए हुए कई महीने बीत गए हैं, इसलिए अब मेरा मिठाई खाने का मन कर रहा है। तो वे कहने लगा, ठीक है तुम चिंता मत करो, आज रात को मैं तुम्हें मिठाई जरूर खिलाऊंगा, बस आप इस फोटोज को डिलीट कर दो। तो वह कहने लगी, ठीक है। ये कहकर उसने फोन कट कर दिया और रात होने का इंतजार करने लगी। अब इधर धीरे धीरे समय बीतता गया और रात हो गई। जब रात के 12 बजे परिवार के सभी लोग गहरी नींद में सोए, तभी मौका देखकर रेखा अपनी जवान सास के प्रेमी राजेंद्र को कॉल करके पीछे की डोर से रूम में बुला लिया और उस रात मजे से उसके साथ अपनी जिस्म की भूख को पूरा कर लिया। फिर क्या था, अब आए दिन राजेंद्र बारी बारी से अपनी प्रेमिका और उसकी जवान बहू की शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने लगा था। हर बार की तरह एक रात जब बहू रेखा अपनी जवान सास के प्रेमी राजेंद्र को घर बुलाकर अवैध संबंध बना रही थी, तभी कमरे से आ रही अजीबोगरीब आवाजों से बगल के रूम में लेटी उसकी सास की नींद खुल गई और प्रेमी को बहू के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। जैसे ही काजल प्रेमी को बहू के साथ इस अवस्था में देखी तो वह गुस्से से आँख बहुला हो गई और अपनी आपा खो बैठी, जिसके बाद वह तुरंत लोहे की रॉड से प्रेमी राजेंद्र के ऊपर कई बार हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। राजेंद्र की मौत की खबर सुनते ही आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटना स्थल की गंभीरता से जांच करते हुए शव को कब्जे में लेकर आरोपी काजल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जहां उसने पुलिस के पूछताछ के दौरान ये पूरा मामला विस्तार से बताई। तो देखा दोस्तों, आपने बुरा काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, इसलिए आप अपराधी मानसिकता को समझें और सतर्क रहें, अपने परिवार को सुरक्षित